नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। छोटे अधिकारियों, मैंने आपको तीन पार्ट करवा दिए हैं साइंस के, है ना? तीन करवा दिए, शायद चार करवा दिए, आपको पता होगा। आज हम बात करने वाले हैं अगले पार्ट की। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे, अच्छे से आपने याद भी कर लिए होंगे और अच्छे से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लो, ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाओ, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं आपको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं साइंस तैयार करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, पूरी साइंस मैं आपको करवाऊंगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अच्छे से क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना अगर कोई दिक्कत हो तो, और अच्छे से पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है, हम कल बात कर रहे थे रक्तदाब के बारे में। किसके बारे में? रक्तदाब के बारे में चर्चा कर रहे थे। और रक्तदाब की अगर बात करें तो रक्तदाब में हमने कल परिभाषा पढ़ ली थी, रक्तदाब क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रक्तदाब कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था रक्तदाब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है प्रकुंचन रक्तदाब। कौन सा रक्तदाब? प्रकुंचन। और दूसरा मैंने आपको बताया था अनुशिथिलन। कौन सा? अनुशिथिलन रक्तदाब, बताया था ना। और अच्छे से आपने ये परिभाषाएं भी पढ़ी थी और इनका मान भी आपने पढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब एक पार्ट और पढ़ते हैं, जिसका नाम, जिसका टॉपिक का नाम है निम्न रक्तदाब। कौन सा रक्तदाब? निम्न रक्तदाब। टॉपिक का क्या नाम है? निम्न रक्तदाब। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब समझना इसका मतलब क्या है। निम्न का मतलब कम और रक्त का मतलब बीपी। बीपी रक्तदाब का मतलब बीपी, यानी बीपी लो होना। आपने सुना होगा बीपी लो होना, सुना है ना, बीपी लो होना, है ना। इतनी देर हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बीपी के बारे में पढ़ा था। और अब हम पढ़ने वाले हैं बीपी हाई और बीपी लो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बीपी लो के बारे में। बीपी लो होती क्या है, किसे कहते हैं बीपी लो, कहते किसे हैं बीपी लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में हमें समझना है। बीपी लो किसे कहा जाता है? देखिए, वह स्थिति जब धमनियों में, वह स्थिति जब धमनियों में, जब धमनियों में रक्त का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह है कम होने लगता है, कम होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निम्न रक्तदाब। क्या बोलते हैं? उसे निम्न रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? निम्न रक्तदाब कहते हैं। समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। मैंने क्या बताया है कि ऐसी स्थिति जब धमनियों के अंदर रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं निम्न रक्तदाब, यानी बीपी लो कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी लो कहते हैं, ध्यान रखना। अब समझना इस बात को, देखो ये मान लो हमारी धमनी है। क्या है? मान लो ये हमारी धमनी है। ये क्या है? मान लो हमारी क्या है? धमनी। ये हमारी धमनी है, ठीक है। और इस धमनी में पहले क्या होता था? इस प्रकार से रक्त जाता था, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से रक्त जाता था। मान लो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से रक्त जा रहा था, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से रक्त जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन हमने एक दिन देखा कि हमारा जो रक्त है ना, वो यहाँ से जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। किस रफ्तार से जा रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी धमनियों के अंदर रक्त का प्रवाह कम हो गया। क्या हो गया? रक्त का प्रवाह कम हो गया, यानी रक्त पहले ज़्यादा जाता था और अब क्या जा रहा है? कम जा रहा है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? निम्न रक्तदाब या फिर बीपी लो कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न रक्तदाब या फिर बीपी लो कहते हैं। तो बता दीजिए, आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारी धमनियों के अंदर अगर रक्त है वो कम प्रवाहित होगा, अगर पहले की अपेक्षा, सामान्य स्थिति की अपेक्षा अगर कम प्रवाहित होता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? निम्न रक्तदाब बोलते हैं। अगर ये प्रवाह है, अगर ये रक्त का प्रवाह है काफ़ी कम हो जाता है, अगर ये रक्त का प्रवाह है काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो हृदय
मस्तिष्क, हृदय, मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों तक, जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं निष्क्रिय हो सकते हैं। अब समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि देखो, ऐसी स्थिति जब हमारी धमनियों के अंदर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं निम्न रक्तदाब। अगर ये रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, ये रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है, तो हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, दो हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इन महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा रे, क्योंकि रक्त का प्रवाह तो कम हो गया है, और वो क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, काफी कम हो गया है। अगर रक्त का प्रवाह बहुत कम हो गया, रक्त का प्रवाह क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो हृदय और मस्तिष्क तक क्या नहीं पहुंच पाएगा, रक्त नहीं पहुंच पाएगा। अगर रक्त नहीं पहुंचेगा तो ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कौन कौन, हृदय और मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि रक्त के साथ साथ क्या आता है, भोजन आता है, भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आती है। अगर इस हृदय और मस्तिष्क के पास क्या नहीं पहुंचेगा, हृदय और मस्तिष्क के पास भोजन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, स्थायी रूप से कभी भी सही नहीं होते, और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आपने देखा होगा जब बीपी लो हो जाती है तो व्यक्ति उठ नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है उठ, क्योंकि उसके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होती है। क्यों नहीं होती ऊर्जा, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके शरीर में रक्त नहीं पहुंचा, उसके महत्वपूर्ण अंगों तक क्या नहीं पहुंचा है, रक्त नहीं पहुंचा है, और ऑक्सीजन उसके साथ गई नहीं है। ऑक्सीजन नहीं गई तो उसके अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो ऊर्जा के लिए क्या, किसकी जरूरी होती है, भोजन और ऑक्सीजन की जरूरी होती है, वो उसके पास पहुंचा नहीं है, तो व्यक्ति क्या हो सकता है, क्या होगा, उठ नहीं पाता है, उसके पूरे दिन आलस रहता है, उसके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। ये स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है ये स्थिति कहलाती है निम्न रक्तदाब। क्या कहलाती है, निम्न रक्तदाब कहलाती है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बीपी लो क्या होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं बीपी हाई क्या होती है। बीपी हाई का मतलब उच्च रक्तदाब क्या होता है। तो जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ, ये नोट्स आप अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर देखना कितना इंटरेस्ट आपको पढ़ने में आएगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा पूरी बुक में से। मैं जो आपको नोट्स लिखूंगा उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं उच्च रक्तदाब की, उच्च रक्तदाब क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। उच्च का मतलब अधिक, अधिक का मतलब होता है हाई, है ना, यानी उच्च का मतलब ऊंचा, ऊंचा मतलब हाई, यानी बीपी क्या हो गई, हाई हो गई, यानी उच्च रक्तदाब हो गया। अब ये उच्च रक्तदाब होता क्या है, क्यों होता है उच्च रक्तदाब, या फिर होता क्या है, देखिए, यदि प्रकुंचन रक्तदाब 120 mm तथा अनुशिथिलन रक्तदाब 80 mm से अधिक हो जाता है, 80 mm से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को
उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को उच्च रक्तदाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च रक्तदाब कहा जाता है, उच्च रक्तदाब कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहा जाता है? उच्च रक्तदाब, रक्तदाब कहा जाता है, यानी बीपी हाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीपी हाई कहा जाता है। देखिए देखिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बीपी होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारा जो रक्तदाब होता है, वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्रकुंचन, बताया था मैंने आपको कल, बिल्कुल बताया था साहब। दूसरा अनुशिथिलन। दूसरा कौन सा होता है? अनुशिथिलन होता है। अब प्रकुंचन का मान 120 होता है, मैंने आपको कल ये भी बताया था, और अनुशिथिलन का मान कितना होता है? 80 mm होता है, मैंने ये बात भी आपको बताई थी। अब क्या होता है कि अगर इस प्रकुंचन का मान 120 से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, 120 से अधिक हो जाता है, और इस अनुशिथिलन का मान भी किस से अधिक हो जाता है? 80 से अधिक हो जाता है, क्योंकि भी इसका मान तो 80 है और इसका मान 120 है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उच्च की, उच्च का मतलब अधिक। अब अगर ये अधिक होगा ना, तभी कौन सी स्थिति बनेगी? उच्च रक्तदाब की स्थिति बनेगी। तो आपको याद क्या रखना है, इसकी परिभाषा किस प्रकार से याद रखोगे? आपको दिमाग में दो बातें ध्यान रखनी है कि रक्तदाब यानी बीपी दो प्रकार की होती है, प्रकुंचन और अनुशिथिलन। प्रकुंचन की बात करेंगे तो प्रकुंचन का मान 120 mm होता है, अनुशिथिलन का मान 80 mm होता है। अगर इन दोनों का मान 120 और 80 से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं रेटा ब्रो? उच्च रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च रक्तदाब बोलते हैं, यानी बीपी हाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी हाई बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात समझ में आई है तो एक बार ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, मेरे लिए नहीं अपने आप के लिए, क्योंकि ये आपको ये बात समझ में आ गई, कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं इससे आगे। ये जो हमारा उच्च रक्तदाब होता है, इसका दूसरा नाम भी है, इसे कहा जाता है अति तनाव। इसे क्या कहा जाता है? इसे अति तनाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति तनाव भी कहा जाता है, अति तनाव भी कहा जाता है, अति तनाव भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम क्या है? अति तनाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति तनाव भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? बीपी हाई होती क्यों है? इसका कारण क्या है? ये कारण आपसे पूछा जा सकता है, बीपी हाई होने का कारण बताओ रेटा ब्रो। क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपको इस प्रकार से कि बीपी हाई होने का कारण बताओ, तो आप क्या लिखोगे? बीपी हाई होने का कारण क्या है? बीपी हाई होने का कारण है धमनियों का सिकुड़ना, धमनियों का सिकुड़ना, धमनियों का सिकुड़ना, धमनियों के सिकुड़ने के कारण, धमनियों के सिकुड़ने के कारण उच्च रक्तदाब हो जाता है। कैसे हो जाता है, ध्यान से समझिए। देखिए, देखो रे, देखो ध्यान से देखो, इस प्रकार से धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगता है ना, इस प्रकार से उसको बोला जाता है प्रकुंचन रक्तदाब। क्या बोला जाता है? प्रकुंचन रक्तदाब। और इस प्रकार से बाहर से जो दाब लगता है ना, उसको बोलते हैं अनुशिथिलन रक्तदाब। ये बातें मैंने आपको बताई थी कि धमनियों के ऊपर इस प्रकार से दबाव लगेगा, अंदर से दबाव इस प्रकार से लगेगा, उसको बोलते हैं प्रकुंचन, और ऊपर से इस प्रकार से लगेगा, उसको बोलते हैं अनुशिथिलन। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब अगर ये क्या हो गई, ये धमनियां सिकुड़ गई, धमनियां इस प्रकार से सिकुड़ गई, ठीक है, अब ना तो वो ज़्यादा पिचक रही हैं आगे और ना वो ऊपर वापस से फैल रहे हैं, वो एक जगह स्थिर हो गई, उसको बोलते हैं धमनियों का सिकुड़ना। क्या बोलते हैं? धमनियों का सिकुड़ना। क्या बोलते हैं? धमनियों का सिकुड़ना। तो धमनियों के सिकुड़ने के कारण इस प्रकुंचन और अनुशिथिलन दोनों का मान अधिक हो जाता है 120 और 80 से, दोनों का मान 120 या फिर 80 से अधिक हो जाता है, तो उच्च रक्तदाब हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उच्च रक्तदाब का कारण क्या है, तो आप क्या लिखोगे? धमनियों का सिकुड़ना। क्या लिखोगे रे टाब्रो? धमनियों का सिकुड़ना। क्या लिखोगे? धमनियों का सिकुड़ना लिखोगे, है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर धमनियां सिकुड़ जाती हैं, अगर धमनियां सिकुड़ जाती हैं तो क्या होगा? देखो, अगर धमनियां सिकुड़ जाती हैं तो क्या होगा, समझना, समझना भाई कैसे होता है उच्च रक्तदाब। समझो, मान लो पहले धमनी इस प्रकार से थी, पहले की बात बोल रहा हूं मैं, ये पहले थी और अब इस प्रकार से हो गई, अब ये इस प्रकार से हो गई सिकुड़ के, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो गई, पहले इतनी मोटी थी अब ये इतनी मोटी बची है। ये बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बाद की बात है, ये पहले की बात थी। अब मान लो यहां से इस प्रकार से पूरी भर के ये क्या चल रही थी, इस प्रकार से रक्त जा रहा था, इसके अंदर से क्या जा रहा था,
पूरी भरी हुई चल रही थी ये रक्त की पहले। अब जितना रक्त यहाँ से जा रहा था वही रक्त तो यहाँ से जाएगा, क्योंकि भाई खून तो हमारे शरीर में उतना ही है, थोड़ी कम थोड़ी हुआ है, खून तो इतना ही होगा ना, जितना इस धमनी में था उतना ही इस धमनी में होगा। अब एक बात बताओ, अगर आपका पाइप, अगर आपकी नली मोटी हो तो उस नली के ऊपर दबाव क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। अगर आपकी नली का, अगर आपकी नली क्या है, कम पतली, मतलब क्या है, पतली है, क्या है, पतली है। अगर आपकी नली का पतली है तो नली का पतली होने पर खून तो उतना ही जाएगा, जिसके कारण इसके ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। क्या होगा, दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, और दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रकुंचन रक्तदाब का मान ज़्यादा हो जाएगा, और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, उच्च रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च रक्तदाब बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर ये ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, अगर ये ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं तो और दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, और दबाव ज़्यादा बढ़ने के बाद ये इस प्रकार से फूट जाती, क्या हो जाती है, टूट जाती, क्या हो जाती हैं, फूट जाती हैं, क्या हो जाती है, फूट जाती हैं, या फिर फट जाती, क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। ये धमनियाँ सिकुड़ जाते हैं, और अत्यधिक सिकुड़ने के बाद अगर ये धमनियाँ ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं तो रक्त के दाब के कारण, रक्त के दाब के कारण क्या हो जाती हैं, ये रक्त के दाब के कारण फट जाती हैं। ये क्या हो जाते हैं, रक्त के दाब के कारण धमनियाँ फट जाती हैं, और धमनियाँ फटने के कारण अब हमारी जो नस हैं ये फट जाएंगी, तो नसों के अंदर खून नहीं बहेगा, फिर वो क्या बहने लगेगा, सीधा ही बहने लगेगा, क्या होगा, हमारे शरीर में सीधा ही बहने लगता है, और उस स्थिति को बोलते हैं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, आंतरिक रक्तस्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक रक्तस्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक रक्तस्राव, ध्यान रखना, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, आंतरिक रक्तस्राव कहा जाता है। तो समझना इस बात को, मैंने क्या बताया है आपको, आपको मैंने कारण बता दिया, इसका कारण क्या है, धमनियों का सिकुड़ना। फिर आप क्या लिखोगे, अत्यधिक धमनियों के सिकुड़ने से, अत्यधिक धमनियों के सिकुड़ने से, अत्यधिक धमनियों के सिकुड़ने से धमनियां फट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, धमनियां फट जाती हैं, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, क्या हो जाता है, आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बात ये आती है कि जो ये उच्च रक्तदाब होता है, ये जो बीपी हाई होती है, इसका बचाव क्या है, हम किस प्रकार से बच सकते हैं, है ना, इसका उपाय क्या है, इसका बचाव क्या है, वो बात करते हैं। इस बीपी हाई का बचाव क्या है, वो इम्पोर्टेंट बात है, इसका बचाव देखो, बीपी हाई का बचाव, है ना, हमें क्या करना चाहिए कि जिस चीज़ से बचा जाए, तो बचाव आपको ध्यान रखने हैं। पहला बचाव आपको ध्यान रखना है, योग प्राणायाम, योग प्राणायाम, है ना, योग और व्यायाम जो होते हैं ना, योग प्राणायाम हो गया, है ना, ताजी सब्जी का उपयोग हो गया, ताजी सब्जी का क्या हो गया, उपयोग, ताजी सब्जी का उपयोग हो गया। अगर आप ताजी सब्जी खाओगे तो आपके ब्लड प्रेशर नहीं होगा, है ना, फल का प्रयोग करना, फल खाना, फल का प्रयोग करना, अगर आप टाइम टाइम पर फल खाते रहते हो, है ना, तो आपकी बीपी हाई होने के बहुत कम चांस होते हैं, है ना, ध्यान रखना। और अधिक चिकनाई से दूर रहना, अधिक वसा से दूर रहना, अधिक वसा से दूर रहना, अधिक वसा से दूर रहना, वसा का मतलब होता है चिकनाई। आपको ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, आपको ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, आपको ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेल और चिकनाई खाओगे ना, तेल और दही, वो घी खाओगे, तो आपके ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है, है ना। और किससे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये अगर आप काम करोगे तो आपके कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर आप क्या करते हो, फल का उपयोग करते हो, अगर आप योग प्राणायाम करते हो, अगर आप ताजी सब्जी का उपयोग करते हो, अगर आप फल खाते हो, अगर आप ज़्यादा अधिक वसा नहीं खाते हो, अगर आप नशा नहीं करते हो, तो कभी भी आपको क्या नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैंने आपको क्या करवाया है, अभी तक मैंने आपको मानव स्वास्थ्य के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक करवाया था जल, उसके बाद दो नंबर टॉपिक मैंने आपको करवाया था मोटापा, और तीन नंबर टॉपिक मैंने आपको करवा दिया रक्तदाब। अब बात करते हैं इससे आगे, नेक्स्ट, रक्तदाब के अगले पॉइंट, सॉरी
मानव स्वास्थ्य के अगले पॉइंट की बात करते हैं, और मानव स्वास्थ्य का जो अगला पॉइंट है चार नंबर, वो क्या है रटा ब्रो? नशीले पदार्थ। क्या है? नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ बात करने वाले हैं नशीले पदार्थों की। नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, उससे कौन कौन सा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नशीले पदार्थ कौन क्या होते हैं? नशीले पदार्थ वो होते हैं जिसकी हमें लत लग जाती है, जिसकी हमें लत लग जाती है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते या छोड़ने की कोशिश नहीं करते, जिसको खाने के बाद नशा होता है, उसको क्या कहा जाता है? नशीले पदार्थ कहा जाता है। अब मान लो ये कोई बच्चा है, है ना, बच्चा सुंदर है भाई, ये बच्चा है और ये बच्चा मान लो 10 साल का है। कितने साल का है? 10 साल का। अब 10 साल का बच्चा आपको पता है नशा नहीं करता, बहुत सारे बच्चे करते, लेकिन ये मान के चलो कि 10 साल का बच्चा नहीं करता। अब क्या है, एक इसके साथ दोस्त और था, दो दोस्त थे, एक तो ये था, इसका नाम मान लो मोहन नाम था, किसका, इसका नाम क्या था? मोहन था, और दूसरे का नाम सोहन था। क्या नाम था दूसरे का भाई? सोहन था। क्या नाम था? सोहन। ये सोहन भाई साहब हैं और ये मोहन भाई साहब हैं, और ये मान लो 12 साल के हैं। कितने साल के हैं? 12 साल के। ये 10 साल के हैं। समझने की कहानी बताता हूँ आपको कि भाई नशीले पदार्थों का व्यक्ति उपयोग करना क्यों सीख जाता है। देखिए, ये सोहन क्या करने लगा? नशा करने लगा। ये क्या करने लगा? नशा करने लगा। ये मदिरा पीने लगा, मदिरा मतलब शराब पीने लगा। ये क्या करने लगा? ये गुटखा खाने लगा। ये क्या पीने लगा? सिगरेट पीने लगा। क्या पीने लगा भाई? सिगरेट पीने लगा। ठीक है। और इस सोहन का दोस्त कौन था? ये मोहन था। ये आपस में दोनों क्या थे? दोस्त थे। दोनों क्या थे? आपस में दोस्त थे। अब समझो, ये सोहन बेचारा क्या करता है? दारू पीता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, सारे काम करता है। अब एक दिन क्या हुआ कि ये मोहन इसके पास बैठा था और इस सोहन ने क्या कर रखी थी? सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्या पीना शुरू कर दिया? सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो मोहन ने पूछा कि दोस्त तू ये बता, ये सिगरेट क्यों पीता है? तो ये सिगरेट क्यों पीता है, ये पूछ लिया इस मोहन ने सोहन से कि तू सिगरेट क्यों पीता है। तो सोहन बोला कि अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपके कभी भी तनाव नहीं होता है। तनाव बोले तो टेंशन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? टेंशन नहीं होती है, है ना? क्या नहीं होती है? टेंशन नहीं होती है। क्या आता है? मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है, पूरा दबा के एकदम बिल्कुल, है ना, शांति रहती है। क्या रहती है? शांति रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार से पहले दिन की बात है, पहले दिन ये बात कह दी सोहन ने मोहन को कि भाई तनाव दूर होता है, टेंशन नहीं होती, मज़ा आता है, पूरा अच्छा महसूस होता है पीने के बाद। दूसरे दिन फिर से पूछ लिया कि भाई तू क्यों पीता है? तो ये बोला, देख मैं तो पीता हूँ लेकिन तेरे को भी पीनी पड़ेगी। फिर ये क्या कर लेता है? ये सोहन इस मोहन के ऊपर दबाव बना लेता है। क्या बना लेता है? दबाव बना लेता है। ये सोहन बोलता है कि अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तेरे को सिगरेट पीनी पड़ेगी, तेरे को दारू पीनी पड़ेगी, तेरे को गुटखा खाना पड़ेगा। इस प्रकार से इस सोहन ने इस मोहन के ऊपर दबाव बना लिया और इसने भी क्या करना शुरू कर दिया? नशा करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से बच्चा नशा करना शुरू करता है। तो नशा क्यों करता है व्यक्ति? शुरू क्यों करता है नशा करना? साथियों के दबाव के कारण। किसके कारण? अपने साथियों के दबाव के कारण। अगर आपकी मंडली के अंदर ऐसे दोस्त हैं जो नशा करते हैं तो उनके लात मारो खींच खींच के। क्या मारना है? मुक्का मारना है। क्या मारना है? मुक्का मारना है आपको। अगर जो नशा करता है ना आपकी मंडली के अंदर, उसकी मुक्का मारना है, क्योंकि वो आपको भी सिखा देगा। एक दिन आपको कहेगा कि अगर तेरे को साथ रहना है मेरे तो तेरे को भी नशा करना पड़ेगा, लेकिन आपको नशा नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, है ना। तो नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करने लगता है? साथियों के दबाव के कारण। किसके कारण? साथियों के दबाव से। इसके साथ साथ दुनिया की वास्तविकता से पलायन हेतु, दुनिया की वास्तविकता से पलायन हेतु और तनाव कम करने के लिए क्या करता है? कोई बच्चा नशा करने लगता है। ध्यान रखना,
अब ये तो बात थी इंपॉर्टेंट कि भी नशा व्यक्ति क्यों करना शुरू करता है, क्योंकि वो अपने साथियों के दबाव में आ जाता है, उसके भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इससे इंटरेस्ट आता है, उसके दिमाग में ये गलत बातें आने लगती हैं कि नशा करने से टेंशन नहीं होती, ये बातें उसके दिमाग में आ जाती हैं, फिर वो क्या करने लगता है, नशा करने लगता है। अब बात आती है नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम गुटखा की, किसकी बात करेंगे, गुटखा की बात करेंगे। दो नंबर हम बात करने वाले हैं तंबाकू की, किसकी बात करने वाले हैं, तंबाकू की बात करने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं किसकी रहे, मदिरा की, किसकी बात करने वाले हैं, मदिरा की बात करने वाले हैं। फिर हम कुछ मतलब बात करने वाले हैं दवाइयों की, दवाइयां भी नशे के रूप में काम आती हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा चार नंबर जो टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ, और नशीले पदार्थ में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गुटखा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, गुटखा पढ़ेंगे। पढ़ना है, खाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, खाना नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो गुटखा क्या है, क्या है गुटखा, देखो सबसे पहला पॉइंट है गुटखा, गुटखा ध्यान से समझना, दिमाग लगा के समझना गुटखा होता क्या है। देखिए एक होता है कत्था, मतलब एक पदार्थ होता है कत्था, जिस प्रकार से हमारे सुपारी नहीं होती कि सुपारी, उसी प्रकार से कत्था एक पदार्थ होता है, कत्था, कत्था हो गया, सुपारी हो गया, है ना, कत्था सुपारी, कत्था सुपारी, संश्लेषित सुगंध, संश्लेषित सुगंध, कथा सुपारी संश्लेषित सुगंध हो गई, धातुओं का वर्क हो गया, धातुओं का वर्क, धातुओं का, धातुओं का वर्क, वर्क आदि से, आदि से तंबा, आदि से क्या होता है रे, आदि से गुटखा तैयार होता है, आदि से क्या होता है, आदि से गुटखा तैयार होता है, क्या होता है, गुटखा तैयार होता है, गुटखा तैयार होता है। यानी आपने गुटखा देखा होगा, उसके अंदर आपको सुपारी भी मिलती है, उसमें आपको कत्था भी मिलता है, उसमें आपको चूना भी मिलता है, क्या मिलता है, चूना, सफ़ेद रंग का भी मिलता है ना, आपने गुटखा देखा होगा, उस गुटखे के अंदर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ होता है, वो चूना होता है ना, एक छोटे छोटे लकड़ी सी होती है उसको बोलते हैं कत्था, एक दाने से होती है उसको बोलते हैं सुपारी, और उसमें से एक क्या आती है, सुगंध आती है, एक बदबू सी आती है, उसको बोलते हैं संश्लेषित सुगंध, और उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए धातुओं का वर्क, यानी धातु, धातु जो होती है ना, उनको काम में लेने के बाद में जो खराब धातु बचती है उसको पीस करके उसके अंदर मिला दिया जाता है ना, उसको पीस करके उसके अंदर मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं धातुओं का वर्क, बोलते क्या बोलते हैं, धातुओं का वर्क बोलते हैं, और उसी से क्या होता है, गुटखा तैयार होता है, क्या होता है, गुटखा तैयार होता है। अब बात आती है कि अगर गुटखे का अत्यधिक उपयोग किया जाए, इसके अत्यधिक सेवन से क्या होगा, अत्यधिक सेवन से क्या होगा, अगर इस गुटखे का अत्यधिक सेवन किया जाए, अगर गुटखे का अत्यधिक सेवन किया जाए तो एक रोग होता है, और उस रोग का क्या नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रोग का नाम है सब म्यूकस, क्या नाम है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, क्या नाम है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, कौन सा रोग, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि अगर गुटखा का अत्यधिक सेवन किया जाए तो क्या होने लगता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है, और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है ये रोग होने के बाद व्यक्ति का या फिर बच्चे का या फिर मानव का या फिर मनुष्य का, मनुष्य का जबड़ा, मनुष्य का जबड़ा, जबड़ा सही से खुल नहीं पाता है, सही से खुल नहीं पाता है, खुल नहीं पाता है, खुल नहीं पाता है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो गया, उस व्यक्ति का जबड़ा ढंग से खुलता नहीं है, उसका जबड़ा ढंग से खुलता नहीं है। ढंग से खुलने का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति के अगर आप मुंह में इस प्रकार से तीन अंगुली दोगे तो वो पूरी पूरी नहीं जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुलता है ना, उसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। वो किसकी वजह से होता है, गुटखा खाने की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, गुटखा खाने की वजह से होता है। तो आपको गुटखा नहीं खाना है, और दोस्तों गुटखा खाने से क्या होता है, कैंसर भी होता है, क्या होता है, कैंसर भी होता है, क्या होता है, कैंसर भी होता है, कैंसर भी होता है। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी,
आ रही है ना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं तंबाकू के बारे में, मदिरा के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में, है ना। इसके बाद दो क्लास हो रहेंगी, इसके बाद दो क्लास हो रहेंगी, फिर हमारा चैप्टर नंबर एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करने वाले हैं दो नंबर चैप्टर की। दो नंबर चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको पूरा करवाऊंगा, दमदार तरीके से करवाऊंगा, मजे से अच्छे से पढ़ना आपको, नोट्स बना के, है ना, सब काम करवा दूंगा, पूरी साइंस मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।